गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों रिसेंटली का रिकॉर्ड देखा जाए तो फिलहाल मिड रेंज सेगमेंट के अंदर यानी कि 20,000 के नीचे मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स के कैमरा में आपको 4K सपोर्ट नहीं मिलता है और इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है प्रोसेसर, यानी कि परफॉर्मेंस ऐसा डाल दिया जाता है जो एक्चुअली 4K को सपोर्ट ही नहीं करता है। इस सेगमेंट में कुछ ही 5G स्मार्टफोन्स के अंदर 4K सपोर्ट मिलता है। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड को देखोगे तो बजट में भी आपको 4K सपोर्ट दिया जाता था, बट फिलहाल 5G के लिए आपको इन सबके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, अगर आपको ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो आपकी हर एक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए, लाइक यहाँ पर आपको पावरफुल 5G प्रोसेसर के अलावा बेस्ट DSLR कैमरा मिलता है विद 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, इसके अलावा टॉप क्लास की डिस्प्ले, तगड़ी फास्ट चार्जिंग और प्रीमियम डिजाइन भी मिल जाता है। तो गाइस अगर आपको 20,000 के आसपास एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन बाय करना है तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी सो बने रहिए। बट गाइस यार आप एक छोटा सा काम कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले स्मार्टफोन की बात करते हैं जो कि आता है मेरी लिस्ट में सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M53 5G। ये इस प्राइस पॉइंट पर एक बेस्ट सैमसंग का वैल्यू फॉर मनी कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, जहां पर आपको ओवरऑल फीचर्स टॉप क्लास के मिल जाते हैं। ये 6GB प्लस 128GB से आता है। इसमें दिया गया है 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले विद सेंटर पंच होल, 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग टॉप क्लास की दी गई है, आपका डिस्प्ले कॉन्टेंट वॉचिंग जबरदस्त होगा। दोस्तों रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, प्राइमरी लेंस 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 22 मेगापिक्सल के डेप्थ और माइक्रो लेंस मिल जाते हैं। फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। अच्छी बात यह है कि इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो नो डाउट कैमरा क्वालिटी आपको जबरदस्त मिलती है। यहाँ से आप डे लाइट, लो लाइट और नाइट मोड के अंदर बेस्ट सेल्फीज और फोटोज क्लिक कर सकते हो, साथ ही साथ बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे। ये आपको बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस फील कराने वाला है। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 900 जो कि डुअल 5G चिपसेट है, 6nm पर बेस्ड है, काफी पावर एफिशिएंट है, सिंगल चार्ज पर लंबा बैटरी बैकअप आपको ये देगा और साथ ही साथ मिड रेंज सेगमेंट के अंदर ये अच्छा परफॉर्म करता है, गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपका जबरदस्त होगा। इसमें एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि 1UI 4.1 पर बेस्ड है, जहां पर आपको नॉक सिक्योरिटी मिल जाती है, साथ ही साथ रैम एक्सपेंशन का सपोर्ट भी मिलता है। इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट सडनली चार्जर आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा, अलग से परचेज करना पड़ेगा। बाकी इसमें 3.5mm का जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग दी गई है। ये दोस्तों 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है। फिलहाल इस फोन की प्राइस है ओवरऑल डिस्काउंट के बाद सिर्फ 19,999, 20,000 रुपए में डेफिनेटली बाय कर सकते हो और ये इस प्राइस पॉइंट पर सैमसंग का एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है iQOO की तरफ से, iQOO Z6 Pro 5G। सेम स्मार्टफोन Vivo की ब्रांडिंग के साथ Vivo T1 Pro 5G भी आता है। दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है सिवाय ब्रांडिंग के। इस फोन में भी आपको टॉप क्लास के स्पेक्स मिल जाते हैं। ये 6GB प्लस 128GB से आता है। इसमें दिया गया है 6.44 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले विद ड्रॉप नॉच। ये 90Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, HDR10+ का सपोर्ट और इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी खासी दी गई है। दोस्तों रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन दिया गया है मैट फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं, प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिल जाएगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरा से 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो कैमरा क्वालिटी आपको बेस्ट जाती है। यहां से भी आप बेस्ट सेल्फीज और फोटोज क्लिक कर सकते हो, ये डिटेल्स को अच्छे से मेंटेन करता है, साथ ही साथ बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे, तो नो डाउट ये आपको बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस फील कराने वाला है। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है
कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट 6nm पर बेस्ड है। काफी पावरफुल चिपसेट है और इस प्राइस पॉइंट पर आपको एकदम तगड़ी गेमिंग ये कराने वाला है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस आपका टॉप नॉच होगा। इस फोन में एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि फन टच ओएस 12 पर बेस्ड है। यहाँ पर 4700mAh की पावरफुल बैटरी मिल जाएगी जो कि 66W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें सिंगल स्पीकर दिया गया है बट 3.5mm जैक नहीं मिलता है। दोस्तों ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है। फिलहाल आप इस फोन को ओवरऑल डिस्काउंट के बाद सिर्फ 19,999 20,000 रुपए में डेफिनेटली बाय कर पाओगे। दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi 11i हाइपर चार्ज 5G। ये दोस्तों लगभग 28,000 रुपए का स्मार्टफोन है बट फिलहाल आपको ये 20,000 के आसपास मिल जाता है और ये एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन है जहां पर आपको डिजाइन फीचर्स टॉप क्लास के मिल जाते हैं। ये 6GB प्लस 128GB से आता है। इसमें दिया गया है 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद सेंटर पंच होल, 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। डिस्प्ले क्वालिटी टॉप क्लास की मिलती है, आपका डिस्प्ले एक्सपीरियंस नो डाउट कमाल का होगा। दोस्तों रियर साइड में ग्लास मिलता है विद कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 जो कि मैट फिनिश के साथ आने वाला है। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं, प्राइमरी लेंस 108MP का दिया गया है, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिल जाता है। फ्रंट साइड में 16MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरा से 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो कैमरे की क्वालिटी अच्छी खासी मिल जाती है। ये डे लाइट कंडीशन में बेस्ट परफॉर्म करता है, आपको सेल्फीज और फोटोज क्वालिटी बेस्ट मिलेगी, साथ ही साथ अच्छी खासी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 920 12 5G चिपसेट 6nm पर बिल्ट है। ये Dimensity 900 के कंपेयर स्लाइटली थोड़ा सा बेटर है, गेमिंग आपको तगड़ी कराने वाला है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस आपको बेस्ट मिलने वाला है। इस फोन में एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि MIUI 13 पर बिल्ट है। इस फोन में 4500mAh की बैटरी दी गई है जो कि 120W की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और ये इस फोन का सबसे हाईलाइट फीचर है। ये सिर्फ 15 मिनट्स में 0-100% चार्ज हो जाएगा, तो फास्ट चार्जिंग आपको कमाल की मिलती है। बाकी इसमें 3.5mm का जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। ये दोस्तों 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है। फिलहाल इस फोन की प्राइस है ओवरऑल डिस्काउंट के बाद सिर्फ 24,999 20,500 रुपए में डेफिनेटली बाय कर पाओगे। अगर आपको Xiaomi का स्मार्टफोन चाहिए जिसमें ओवरऑल फीचर्स टॉप क्लास के दिए गए हों, साथ ही साथ अच्छा खासा डिजाइन भी दिया गया हो, तो इस फोन की तरफ देख सकते हो। तो गाइस ये थे टॉप कैमरा फोन्स अंडर 20,000। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।